गया जिला के देवरानी रेस्टोरेंट में गया के उमेश शर्मा कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गया जहानाबाद अरवल सभी जिलों के फैक्स अध्यक्ष की बैठक किया गया। बैठक के दौरान कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान बताया गया कि धान की अधिप्राप्ति में जो कठिनाइयां आ रही है उसे सुधारा जाए। इस बैठक में योगेंद्र कुमार अशोक पासवान अशोक नरेश जी आदि कई लोग शामिल थे। जैसे ये जो पैक्स है ये कृषि आधारित है सर, और किसानों को बहुत खाद के लिए किल्लत झेलना पड़ता है, क्या पैक्स के द्वारा खाद नहीं आता है? पैक्स के द्वारा खाद आता है, बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। अभी जो बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो उस कौन सा मुद्दा पर लिया गया, क्या चीज़ के लिए लिया गया? प्राप्ति के मुद्दा पर लिया गया है, प्राप्ति में जैसे कि समस्या है, रजिस्ट्रेशन अभी किसान को किया जा रहा है, किसान का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हाँ, पहले किसान का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, अब चलो कर, अभी वो सब ऑनलाइन होगा, सब ऑनलाइन। तो उसे किसानों को अभी क्या लाभ मिलने वाला है? किसान को लाभ तो धान अधिक प्राप्ति होगा तो लाभ मिलेगा। ये बहुत सारे किसान जो है कि आरोप लगाते हैं कि हम पैक्स में जो है कि धान देते हैं गेहूं देते हैं लेकिन पैसा बहुत लेट से मिलता है। वो एसएफसी के द्वारा लेट से मिलता है, पैक्स अध्यक्ष 24 घंटा के अंदर मिलता है। ये अपना परिचय दे देंगे, परिचय उमेश कुमार वर्मा मगर वो उद्देश्य क्या है? आज का जो बैठक है उसका उद्देश्य है कि किसानों से धान खरीद जो पैक्स अध्यक्ष पैक्सों के माध्यम से होती है उसमें जिला में गोदाम की अनुपलब्धता एवं बोरे की कमी एवं विभिन्न समस्याओं से परेशानी होने के कारण सीएमआर बहुत देरी से जमा होता है और उसे पैक्सों की सूद लगती है और जब पुनः वह साइकिलिंग से नहीं आता है तो पुनः किसान का धान नहीं खरीद पाता है। इसलिए आज का मूल बैठक का समस्या यह है। दूसरा, किसानों का जो खरीद के क्रम में धान का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के क्रम में जो बिहार सरकार का गाइडलाइन दिया गया है वह अनप्रैक्टिकल है। फर्स्ट जो उसी को किसान रैयत में धान रजिस्ट्रेशन होगा जिसका ऑनलाइन रसीद कटे, तो अभी तो बबे के नाम से ढेर रसीद है, ऑनलाइन हुआ नहीं है तो वह किसान कहाँ जाएंगे, पंजाब में हरियाणा में बेचते हैं। दूसरा, गैर रैयत का जो खरीद होता था तो गैर रैयत में उसमें मांग रहा है खाता प्लॉट, तो खाता प्लॉट देने के लिए कोई रैयत उसको खाता प्लॉट नहीं दे पाएगा। तो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है कि हमारे जो बटेदार भाई हैं वह धान अभी की स्थिति में धान बेचने से वह वंचित रह जाएंगे, जो बहुत दुखद बात है। अभी ऐसे में आप लोगों ने किसानों के लिए क्या निष्कर्ष निकाला है? किसानों के लिए निष्कर्ष यह निकाले हैं कि हम लोग इस मीटिंग के माध्यम से बिहार सरकार को, जिला प्रशासन को, कमिश्नर साहब को हम लोग सूचित करेंगे और इस माध्यम से उनको ज्ञातव्य करेंगे कि भाई धान अवधि प्राप्ति जो अभी आपका गाइडलाइन दिया गया है उसे रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है, इसमें कहीं न कहीं पर लोचा है, उसको सुधार किया जाए। और जिला प्रशासन डीएम को यह कहेंगे कि गोदाम का उपलब्ध मात्रा में, बहुत बड़े पैक्स हैं, 332 पैक्स गया जिला में, 24 व्यापार मंडल है, ऐसी स्थिति में उसके अनुसार यहाँ गोदाम सुनिश्चित कीजिए एवं रैक रेलवे से रैक का व्यवस्था कीजिए, तभी हम लोग धान यहाँ पर खरीद सभी किसानों को पाएंगे। चूँकि सारे पैक्स अध्यक्ष चिंतित हैं कि इस वर्ष धान का फसल बहुत ही उत्तम हुआ है, अच्छे क्वालिटी में हुआ है, अच्छा उत्पादन हुआ है, अगर हम उसको नहीं धान खरीद पाएंगे तो यह एक बहुत बड़ी समस्या
पैक्स अध्यक्ष जिला प्रशासन एवं सरकार के पास होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि समय बहुत कम दिया गया, मात्र नवंबर से जनवरी 15 जनवरी दिया गया है, जो यह भी बहुत अनप्रैक्टिकल मैटर है, जबकि यहाँ दिसंबर से खलिहान में आता है और जनवरी से शुरू होता है और मार्च तक समाप्त होता है। अपना पर्चे दीजिएगा। अशोक चंद्र कश्यप, मदन बीघा पैक्स, नगर प्रखंड गए। एक मिनट। विवरण करेगा किसानों के प्रति, गैर रैयत के प्रति, क्योंकि आज के डेट में कोई किसान ये गैर रैयत को लिख के नहीं देगा कि मेरा ये खाता है, ये प्लॉट है, तो धान कैसे खटाएगा। सर, ये जो समस्या आ रही है ऑनलाइन करने वाली, इसमें काफ़ी किसान जो है कि जिनका जमीन तो खुद का है लेकिन उनके नाम पे नहीं है, तो उसका समाधान कैसे। अभी हमारे बिहार में 30% ऐसे किसान हैं जिनका ऑनलाइन हो गया है, रसीद कट रहा ऑनलाइन। 70% ऐसे किसान हैं जिनका आज के डेट में भी ऑनलाइन नहीं है, वो कहाँ से धान ऑनलाइन करके धान बेचेंगे अपना। तो इसके लिए सर पैक्स अध्यक्ष का जो संगठन है वो क्या कदम उठाई है। पैक्स अध्यक्ष चाहता है कि सरकार विवरण रहे, जिस तरह पिछले बार घर रैयत और रैयत का धान खटाया उसी तरह इस बार भी फ्री करे, ताकि पैक्स सारे लोगों का धान खरीद कर और चावल अपना जमा कर सके।